हाँ जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपके सामने फिर से हम लेके आए हैं भौतिकी यानी फिजिक्स के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, गेस क्वेश्चंस है। तो भौतिक शास्त्र क्या है याद रखिएगा, फिजिक्स का। तो अभी तक इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और आज की क्लास का आनंद ले पाए। फटाफट से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज 70 क्वेश्चंस का महासीरीज। और फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा, लगातार क्वेश्चंस और आंसर की बात करूंगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टॉपर्स नोट्स और डेली क्लास नोट्स भी वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आंसर के लिए आप लोग रोज का सोल्यूशन वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है इसमें, हाई लेवल, लो लेवल और मीडियम लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल जो दिख रहा है बहुत बार पूछा गया है और सेम टू सेम इसी प्रकार के डिजिट आपके अंदर देखे पूछा गया था। बताइए कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए। तो याद रखिएगा साथियों, 1.67 जो है इसका हेनरी होता है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके फिर से एग्जाम में पूछने वाला है 2024 में। तो पहला नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट है। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे यहाँ पे और आप लोग सिर्फ देखते चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं हिंदी वालों के लिए। दूसरा नंबर सवाल है कि द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, बताइए। कहता है कि द्वितीय यानी सेकेंडरी तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, फ्रेनेल, मैक्सवेल, हाइगेंस के सिद्धांत या न्यूटन के सिद्धांत के द्वारा। द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा यहाँ पे साथियों आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो द्वितीय था वो हाइगेंस का सिद्धांत था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और बात करें 2024 के लिए तो ये निश्चित रूप से MBBI प्रश्न माना जाता है अभी से ही, क्योंकि एग्जामिनर के दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत रहता है, याद रखिएगा। और ये आपसे 2 नंबर के भी सवाल में पूछा जा सकता है या 3 पॉइंट बना के। जी हाँ, आजकल के सवाल जो आ रहे हैं 3 पॉइंट बना के या 5 पॉइंट बना के यहाँ पे सवाल आ रहा है और 5 नंबर में पूछ दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा 2 नंबर में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत याद जरूर रखिएगा और उम्मीद रखिएगा कि 5 नंबर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये तरंग का सिद्धांत। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। लगातार आप लोग क्लास को शेयर करते रहे, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहे। तीसरा नंबर सवाल है, इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं जो देखने लायक है। कहता है द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, तो हाइगेंस सिद्धांत याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तीसरा नंबर है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। आपतित प्रकाश की तीव्रता से 2 इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभांतर, यानी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच जो लगाए जाते हैं विभांतर, उनके विभांतर किस कहते हैं, दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभांतर। क्या ये हो जाएगा या ऑप्शन नंबर सी होगा कि उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति से या आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट से। तीसरा नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्लास के टाइम ना आप कॉल करें ना आप मैसेज करें, बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करें। और लगातार जो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जा रहा है सभी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब पे आना होगा निश्चित रूप से और लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और 70 क्वेश्चंस में से आज का मान के चलिए 10 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएगा 2024 में, ये स्टडी विथ रवि का वादा है। चौथा नंबर सवाल है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये सवाल की अगर हम बात करें, MBBI सवाल है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, लाल रंग का, पीला का, नीला का या बैंगनी का। आज मैं टैब में क्लास नहीं ले रहा हूँ, फोन से ही ले रहा हूँ, तो कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसे आप इग्नोर करते चले। तो
तो दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, लाल का, पीला का, नीला का या बैंगनी का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चार नंबर सवाल का याद रखिएगा बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का क्या होता है सबसे अधिक होता है। अगला नंबर सवाल पे चलते, इसीलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लाल रंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो रेड लाइट में किया जाता है। जी हाँ, रेड लाइट में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है क्योंकि अगर अंधेरा भी रहेगा तो लाल रंग इतना तगड़ा होता है कि बहुत दूरी तक भी इसका प्रभाव दिखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा। पांच नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखते हैं, कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, इसका जवाब तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जिसे आप पी से कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ई आपको पता होगा, अल्फा कण आपको पता ही होगा बिल्कुल, और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो किससे हो जाएगा, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। आपको पता होगा मान लीजिए कोई गोला है साथियों और ये इसका नाभिक है, ठीक है, तो गोला पे क्या होता है माइनस आवेश होता है चारों तरफ से, याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश चारों तरफ से होता है। लेकिन अगर नाभिक की बात करें तो इसमें क्या होता है प्रोटॉन होता है, क्या होता है प्रोटॉन होता है, और क्या होता है साथियों यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, दोनों यहाँ पे मिक्स होता है याद रखिएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सवाल VVI है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। फटाफट से आप लोग क्लास शेयर करते चले, सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे तब लाइव क्लास का मजा कुछ और आएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, कहता है द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी हम चलते चलेंगे ताकि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। थोड़ा लंबा सवाल है, जूम आउट करते हैं, कहता है कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा, परिपथ में धारा एवं बोल्डता के बीच कलांतर होता है। कहता है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा, केवल धारिता है उसमें और प्रत्यावर्ती धारा है, और धारा एवं बोल्डता के बीच में यहाँ पे कलांतर पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सिंपल सी बात है 90 डिग्री का वहां पे होता है कलांतर। 90 डिग्री किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, इस कोण को हम क्या कहते हैं साथियों 90 डिग्री कहते हैं, ये आपको पता होगा क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए बिल याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ वहां पे टॉपर्स नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला नंबर सवाल चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं सात नंबर सवाल की ओर। सात नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, यानी किसका विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, बैंगनी का, एक्स किरण का, सूक्ष्म तरंग का या गामा किरणें का। सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आप लोग अपना अपना जवाब दे सात नंबर क्वेश्चंस का। सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला साथियों, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम यहाँ पे पूछा गया है, तो गामा किरण यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। आगे आठवां नंबर सवाल है कि 25 का द्विआधारी समतुल्य है, द्विआधारी की बात करें तो इस प्रकार का भी प्रश्न एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि 25 का द्विआधारी समतुल्य है, इसके जगह पर अलग डिजिट भी आपसे दिया जा सकता है याद रखिएगा, लेकिन द्विआधारी से बात करें तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में, तो द्विआधारी से एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए और इसका जवाब बता दीजिए कि 25 का द्विआधारी समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो याद रखिएगा 1100 याद रखिएगा 1100 और लास्ट में एक इसका होल 2 होता है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले, वीडियो को लाइक कर ले। और बाइनरी इक्विवेलेंट यहां पे पूछा जाता है, तो जैसा कि हमने बताया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 9 नंबर सवाल है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के समान होती है, के समान नहीं होती है या जैसे होती है, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन ठीक इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी मिलेगा और आपको
पूरी तरह से कंफ्यूज करने का प्रयास आपके एग्जामिनर के तरफ से किया जाएगा। तो याद रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी से स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ जाना है और इतनी धुआंधार तरीके से तैयारी आपको यहाँ पे कराया जाएगा कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीजों की चौड़ाई से क्या होती है साथियों, के समान नहीं होती है, याद रखिएगा, क्या होती है, इसके समान बिल्कुल भी नहीं होता है। विवर्तन फ्रीज की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीज की चौड़ाई के समान नहीं होती, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सर ग्रुप पे क्लास कट रही है, हो सकता है साथियों नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे इशू है इसलिए कट सकता है, चलिए लेकिन यहाँ पे सभी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा 9.46 × 10^15 मीटर। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली याद रखिएगा और 2024 में निश्चित रूप से ऐसे सवाल के पूछे जाने की संभावना बनती है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप याद रखिएगा और हमेशा ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को। 11 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, बिल्कुल जब हम किसी एमीटर को संट करते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन सेम टू सेम आपको इसी प्रकार आपके एग्जाम में मिलने जा रहा है और आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। जब किसी एमीटर को संट आप करते हैं, बिल्कुल हम सर संट किए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, संट करते हैं तो उस समय याद रखिएगा क्या होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है वो घटता है, क्या होता है साथियों, घटता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आप किसी ए मीटर को याद रखिए, आम मीटर नहीं है, यहाँ पे आम मीटर अलग होता है, क्या होता है साथियों, आम मीटर जो है वो अलग है और ए मीटर यहाँ पे जो दिया गया वो बिल्कुल अलग है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 12 नंबर सवाल की ओर हम लोग बैठते हैं। इंग्लिश वाले अपना ध्यान देंगे और हम सिर्फ हिंदी मीडियम का क्या कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन करा रहे हैं। और याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे 2024 में, इसलिए हम आपको बोलते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर मास्टर सती की दया रहेगी आपको तो 90% हमारे इस स्टडी विद रवि के चैनल के सहायता से आप ला सकते हैं निश्चित रूप से। 12 नंबर सवाल है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान यहाँ पे आपसे पूछा गया है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक या शून्य या अनंत होता है। किसी अर्धचालक की यहाँ पे बात किया है कि उसका तापमान गुणांक का मान कितना होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। 12 नंबर सवाल का जवाब आना चाहिए। अर्धचालक की जब बात आती है याद रखिएगा अर्धचालक का मतलब क्या होता है, आधा में तो चालक है लेकिन आधा उसमें चालक नहीं है, किस चीज का चालक नहीं है तो आवेश का, जी हाँ किस चीज का चालन नहीं है, आवेश का क्या है, चालन नहीं है। सेमी कंडक्टर इसके इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथी यहाँ पे, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा सेमी कंडक्टर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्धचालक का मान जो है गुणांक मान इसका कितना होता है याद रखिएगा, और 12 नंबर सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक होता है, क्या होता है साथियों, ऋणात्मक होता है, याद रखिए, जिसे इसे इससे भी हम सूचित कर सकते हैं मैथ के भाषा में। क्लियर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। कहता है कि टेम्परेचर कॉन्फिडेंट ऑफ सेमी कंडक्टर, देखिए सेमी कंडक्टर लिखा गया है याद रखिएगा निगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न के लिए राइट है। 13 नंबर सवाल है यदि इलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी है, बिल्कुल आवर्तकाल टी दिया गया है और महत्तम चाल यहाँ पे भी दिया गया है, भी क्या है साथी इसका महत्तम चाल है, तो क्या होगा इसके समानुपाती होगा या होल स्क्वायर के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा या होल स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो साइक्लोइलेक्ट्रॉन दिया गया है याद रखिएगा, साइक्लोइलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी है और महत्तम चाल भी है तो क्या होगा किसके समानुपाती होगा याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका जो यहाँ पे चारों ऑप्शन इसमें से गलत है, बिल्कुल यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न में चार ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिसप्रिंट ये किया गया है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा देख लेते हैं क्या सेम है, बिल्कुल सेम है तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर। कहता है कि 1D ग्राफ जनित्र, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से सवाल बन सकता है 1D ग्राफ जनित्र से। एक ऐसी विद्युत एस्थेटिक युक्ति है
जिससे उत्पन्न होता है। इसे क्या उत्पन्न होता है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। केवल उत्तम धारा या केवल उच्च वोल्टता, या उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता, या निम्न धारा और निम्न वोल्टता। वान डी ग्राफ जनित से एक सवाल निश्चित रूप से आपके 2024 में पूछने जा रहा है, याद रखिएगा। तो मेरा भाई, वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो एस्थेटिक युक्ति है, जिससे उत्पन्न क्या होता है, तो उत्पन्न इससे होता है केवल उच्च वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है, वान डी ग्राफ जनित, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है, और हमेशा वान डी ग्राफ जनित से एक सवाल पूछा जाता है, तो हम मान के चल सकते हैं कि 2024 में भी इससे एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कहा 2024 के फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, याद रखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड वहां पे आपको कराया जाएगा। 15 नंबर पर हम लोग चलते हैं, कहता है कि पैरा वैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, पैरा वैद्युतांक का एसआई मात्रक से। अगर हम बात करें एसआई मात्रक से, एसआई मात्रक से याद रखिएगा कम से कम दो नंबर सवाल, दो क्वेश्चन आपसे, यानी दो नंबर का क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में एसआई मात्रक से। तो पैरा वैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर, या न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप निश्चित रूप से कंफ्यूज खा सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल आपको घुमाने का प्रयास करता है। तो इस प्रश्न को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और गलत होने की संभावना जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो 90% इस प्रश्न में होती है। अगर सीधा सीधा रहता, हिंदी में लिखा हुआ रहता, उसमें आप अलग तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये जो दिया गया है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इतना आप याद रखिएगा। तो पराविद्युतांक का ऐसा ही मात्रक जो होता है, अभी के लिए यहाँ पे याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर का होल इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो राइट हो जाएगा। अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो बिल्कुल याद रखें, अगर नहीं रख सकते तो बिल्कुल इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस वहां पे क्वेश्चंस दिया जा सकता है, 20 क्वेश्चंस वहां पे आपको छोड़ भी सकते हैं। अगला नंबर 16 नंबर सवाल है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। मान लीजिए ये संधारित्र है और ये क्या है साथियों, आवेशित है। क्या है साथियों, आवेशित है। आवेश का मतलब क्या होता है साथियों, चार्ज। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। मान लीजिए कोई संधारित्र है और ये क्या है साथियों, आवेशित है। क्या है, आवेशित है। तो इस पर कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा, 1 माइक्रो कूलम होगा, 1 कूलम होगा, या अनंत होगा। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, ये इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम संधारित्र मानते हैं। क्या मानते हैं, संधारित्र, याद रखिएगा, संधारित्र इसे हम मानते हैं। तो एक प्रकार का मान लीजिए संधारित्र है और इस पर क्या है, ये आवेशित है, इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश जो होता है ये शून्य होता है। कितना होता है साथियों, शून्य होता है। इस प्रकार के भी हम संधारित्र बनाते हैं, याद रखिएगा, इस पर कुल आवेश कितना होता है साथियों, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी एकदम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2024 के लिए निश्चित रूप से पूछा जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपको चेंज किया जा सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुल आवेशित आपसे, कुल आवेश अगर किसी भी संधारित पर पूछा जाएगा तो शून्य लगा के आइएगा, 100% सही होगा। 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका देख लेते हैं। कहता है द नेट चार्ज ऑन ए चार्जड कैपेसिटर इज जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल की ओर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, चालक के अंदर यहाँ पे आपसे पूछा गया। मान लीजिए कोई वायर है और इसके अंदर क्या होता है, मेटल का वो क्या लगा हुआ था, तांबा का, कहीं कहीं वो एल्युमिनियम का लगा होता है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, एक समरूप एक लाइन में जाती है, या त्वरित होती हुई जाती है, इस प्रकार होती हुई जाती है, या अपसारित है, या अपमंदित है। अपमंदित मतलब गया फिर रुक गया, गया गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार होती है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की गति यहाँ पे चालक के अंदर किस प्रकार होती है, समरूप, त्वरित, अपसारित, या अपमंदित। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 17 नंबर सवाल का, वो अपसारित हो जाएगा। क्या होगा, अपसारित होती है किसके अंदर, चालक के अंदर, याद रखिएगा।
अर्धचालक भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इस प्रकार का प्रश्न बनता है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न के आने की संभावना बनती है। ये स्टडी विथ रवि का गेस किया गया क्वेश्चन से। 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि वायु में स्थित फिर क्या बोला, स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो 18 नंबर सवाल का जवाब याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा छोटा दिख गया होगा क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल की ओर। कहता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। मान लीजिए किसी प्रकार का क्या है, आवेश है, और इस पर एक मान लीजिए प्रति इकाई क्या है, आवेश है, तो इस पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे आवेश है, लेकिन इस पर पार्टिकुलर पूछा गया कि इन सभी के द्वारा लगने वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, वैद्युतीय प्रभाव बल को कहते हैं ये पूछा गया। क्या वैद्युतीय प्रभाव कहते हैं, वैद्युतीय विभव, वैद्युतीय क्षेत्र या वैद्युतीय स्ट्रेस कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को साथियों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी जो है विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखिए 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर सवाल की ओर, देखते हैं कि कैसा सवाल पूछा गया। इंग्लिश में थोड़ा इस प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कितना आसान है, हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज्यादा आसान यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, वो भी फिजिक्स में। 20 नंबर सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से देखेंगे आप लोग और ध्यान से लगाएंगे। कहता है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। बी कहता है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कणों पर आवेश होता है, बिल्कुल एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है। आज की क्लास में टोटल के टोटल 70 प्रश्न है और सभी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि लास्ट तक बने रहे और क्लास को सीन करते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और लाइक करते रहे। तो आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि ये आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है बिल्कुल है और ये संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर सवाल की ओर। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किस चीज की जानकारी यहाँ पे जो है प्राप्त होती है वैद्युत क्षेत्र रेखा से, ये आपको बताना है। क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। आवेश की प्रकृति कहने का मतलब धनायन है, ऋणायन है या न्यूट्रॉन है, क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी किसकी प्राप्त होती है इसका जवाब आप लोग बताएंगे। फटाफट से सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में धुआंधार तरीके से आना चाहिए, याद रखिएगा। और क्लास चल रही होगी आशा है, नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम होता है इसलिए कट जाती है, तो हल्का फल्का करता है, ज्यादा नहीं करता है, याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है, शक्ति की भी होती है, दिशा और आवेश की प्रकृति को होती है, इसलिए फाइनली हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को लगा के आगे बढ़ेंगे। किसको, डी को लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल 22 नंबर है कि निकेल है, निकेल क्या है, ये जवाब आपको आना चाहिए कि निकेल क्या है। अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं है। तो निकेल जो है एक प्रकार का ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या साथियों, निकेल लौह चुंबकीय, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। लौह चुंबकीय को लिखिएगा फेकोन यानी फेरिक, ये भी लौह चुंबकीय है, कोबाल्ट भी है और निकेल भी है, तो फेकोनी याद रखिएगा, ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। स्ट्रिक से आपसे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएगा, याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखेंगे, फेकोनी, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। निकेलिज क्या, निकेलिज बताइए क्या, अभी इंग्लिश में और हिंदी में देखिए कितना फर्क है। निकेलिज, व्हाट इज निकेल, मेटेलिक, मेटेलिक प्रॉपर्टी, लेकिन निकेल इज फेरा मैग्नेटिक या फेरो मैग्नेटिक जिसे कहते। अगला नंबर सवाल 23 नंबर सवाल है, इंपोर्टेंट है, चुंबकीय या मोतर से सवाल है,
और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण यहाँ पे पूछा गया। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण पूछा जाएगा, तो नमन कोण दिक्पात कोण कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है या आभासी नमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए जा होगा चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसका आंसर लगाएंगे। इसे दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दिक्पात कोण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? आप लगा सकते हैं, हिंदी में बिल्कुल लगा सकते हैं और इंग्लिश में हमने भी बता दिया। 24 नंबर सवाल है कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी यानी एफ पूछा गया है। बिल्कुल आप इसे सिंपल फॉर्मूला से बना सकते हैं, अभी के लिए याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, 25 नंबर, फटाफट कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सभी सवाल को धुआंधार तरीके से रामबाण तरीके से यहाँ पे करते चलेंगे और आपके एग्जाम के लिए रामबाण तो साबित होगा। एक ही तरंग धैर्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? एक ही तरंग धैर्य के इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन यहाँ पे बात किया गया, किसके बात किया गया? प्रोटॉन की भौतिक राशि समान होती है, वेग, ऊर्जा, संवेग या कोणीय संवेग। 25 नंबर सवाल का जवाब संवेग, याद रखिएगा संवेग नहीं बदलता, संवेग बिल्कुल समान होती है। 26 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कहता है 26 नंबर सवाल कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, बताएंगे मेरे भाई कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? आपका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति मंद करना, न्यूट्रॉन की गति तीव्र करना, या इलेक्ट्रॉन की गति कम करना, या इलेक्ट्रॉन की गति तीव्र करना। तो नाभिकीय रिएक्टर से यहाँ पे सवाल है और सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 26 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 26 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा, जो कि बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन की गति मंद करना होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोगों को अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है क्लास तो प्लीज स्लो करके देखें, या अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, हाई करके देख सकते हैं, मीडियम क्वालिटी अपने आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे रिकॉर्डेड में देख रहा है उससे विनम्र अनुरोध है कि वो लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स खोल के वहां पे डालते जाए, ताकि जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आंसर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बेर में आप आंसर को वहां से देख के और यहां से पीडीएफ में लगा सकते हैं। आंसर निश्चित रूप से आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आंसर के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब पे आना होगा, याद रखिएगा। तो पी प्रकार के आचारकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि आंसर यहाँ पे जो होता है कुछ कुछ पीडीएफ में गलत भी प्रिंटिंग हो जाता है, गलती हर एक इंसान से होती है, इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल आंसर के लिए आप लोग क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। 27 नंबर सवाल का जवाब बताएं कि पी प्रकार के अचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का, बिस्मथ का, आर्सेनिक का या फॉस्फोरस का। तो पी प्रकार के अचालक में अशुद्धि तत्व का रूप में प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है? बोरॉन होता है। क्या होता है साथियों? बोरॉन एक प्रकार का क्या है? पी प्रकार के अचालक में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगला नंबर सवाल है 28 नंबर सवाल की डायोड का उपयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग कि डायोड का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या दृष्टिकारी की तरह? तो डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है इसका जवाब आप लोग निश्चित रूप से बताएंगे, मुझे पता है कि आप लोग इसका जवाब बता पाएंगे। डायोड का उपयोग किया जाता है प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या दृष्टिकारी की तरह? तो डायोड का उपयोग जो है साथियों यहाँ पे 28 नंबर सवाल दृष्टिकारी की तरह किया जाता है, किसके लिए? दृष्टिकारी के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, डायोड इज यूज्ड, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी रेफ्रिजरेटर, इसके लिए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, कहता है कि 6 माइक्रोफेराइडे धारिता के 3 संधारित उपलब्ध है, बिल्कुल 3 संधारित है और वो 6 माइक्रोफेराइडे के,
जिनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता पूछा गया है। सबसे पहले न्यूनतम पूछा गया, तो सबसे पहले हम न्यूनतम को बताएंगे। तो न्यूनतम जो होगा 2 माइक्रोफेराइड होगा, सीधा सीधा याद रखिए, और अधिकतम 18 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी जो है वो राइट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 30 नंबर सवाल की ओर, धुआंधार सवाल की ओर। कहता है 30 नंबर सवाल क्या, उसको देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 है, यानी धारा उसमें बह रही है I बराबर कितना 60, और साइन 100 पाइटी में धारा के मूल माध्य वर्ग मान यहाँ पे पूछा गया। तो इस प्रकार का जब आपके एग्जाम में प्रश्न अगर दो प्रश्न आ गया, तो मान के चलिए कि आपका एग्जाम टॉप लेवल का हुआ है, यानी हार्ड लेवल का हुआ है। लेकिन इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, और ऐसे भी जो चारों ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं कि ये मिसप्रिंट किया गया सवाल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल की ओर। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा बताइए। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या आर प्लस ओमेगा एल रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल, या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एलआर परिपथ पूछा गया है, याद रखिएगा एलआर परिपथ से सवाल आता है 2024 के लिए, इसे आप गेस कर सकते हैं। 2024 के लिए आप इसे निश्चित रूप से गेस कर सकते हैं एलआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। तो रूट अंडर में ले लीजिएगा और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला नंबर सवाल की ओर, फटाफट कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। अगला नंबर सवाल है 32 नंबर, थोड़ा जूम आउट ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी और धारा आधी कर दी जाए, इसकी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगी। तो जल्दी से याद रखिए दुगुना हो जाता है। वृत्तीय धारावाही यहाँ पे पूछा गया और जिसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी गई, यहाँ पे त्रिज्या इसकी दुगुनी कर दी गई और धारा आधी कर दी गई, तो दुगुना हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 33 नंबर, एक चोक कुंडली का स्वप्रोक्त 5 हेनरी है, इसे बहती धारा 2 एंगस्ट्रॉम की दर से बढ़ रही है, चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आ सकता, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जब आएंगे तभी आ सकता है -10 वोल्ट, सिंपल याद रखिएगा या इग्नोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल याद कीजिएगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण बार बार पूछा जाता है अब आपके एग्जाम में, पृथ्वी के चुंबकीय आघूर्ण से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो ये याद रखिएगा 8 × 10²² जूल याद रखिएगा, टेस्ला इनवर्स, क्लियर। अगला नंबर सवाल की ओर में चलते हैं, 35 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया, पाई, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री, या शून्य। तो 35 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। विद्युतीय चुंबकीय तरंग और विद्युतीय तरंग या चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर की जब बात यहाँ पे आती है तो फोकस कीजिएगा यहाँ पे, शून्य लगा के आइएगा, 100% राइट ऑप्शन होगा। 36 नंबर सवाल है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से नहीं, कोई नहीं। जब आप प्रकाश की स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई में क्या होगी। अगर प्रकाश की स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी भी बढ़ाती है, यानी दोनों चीज बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ेगा, क्या होगा, फ्रिज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों चीज बढ़ाते हैं तो बिल्कुल उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, उसे कोई नहीं रोका जा सकता। 37 नंबर सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और आज के 70 क्वेश्चंस का मजा ले पाए। रेडियो संक्रियता का मात्रक बताइए, मेगावोल्ट, क्यूरी, एएमयू या जूल। रेडियो संक्रियता का मात्रक आपको पता होगा क्यूरी होता है, क्या होता है क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले अपना ध्यान देंगे, या पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या कैथोड किरण। 4 ऑप्शन है और बताएंगे, इसमें भी आपको एक्सरे दे देगा याद रखिएगा,
और बीटा रे दे देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन भेदन क्षमता आपको सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये आपको याद रखना है। सिंपल सी अगर आप आंसर याद रखेंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? गामा किरण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास यहाँ पे आपसे पूछा गया, 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, या 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज, या 30 गीगाहर्ट्ज से 300। तो टीवी प्रसारण के लिए जो होती है आवृत्ति परास का जो उपयोग किया जाता है वो जो होती है 30 मेगाहर्ट्ज होती है। मेगा याद रखिएगा, सिंपल चीज का आंसर आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा के आएंगे, मेगाहर्ट्ज याद रखिएगा टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। 40 नंबर सवाल है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी भी प्रिज्म की बात करती है, प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, यहां से जब एक प्रकाश को गुजारते हैं तो यहां से निकलते समय 7 अलग अलग प्रकाशों में यहां से विभेदित हो जाता है, ये आपको पता होगा। बिल्कुल पता है, नहीं है? है बिल्कुल है। तो किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पे निर्भर करती है? आपतन कोण पे, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, प्रिज्म के अपवर्तन कोण, या प्रिज्म कोण पे। तो याद रखिएगा प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण जब आएगी तो प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पे ये निर्भर करती है कि किस प्रकार का है, क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप अर्धचालक, उच्च दाब संख्या परिवर्तक। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या इसमें माना जाता है? तो ये संख्या परिवर्तक माना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट है। लेजर एक्शन नीडेड याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश क्या है एक प्रकार का? अनुधर्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको? परावर्तन को, ध्रुवन को, व्यक्तिकरण को, या विवर्तन को? बताइए फटाफट से आंसर बताइए आप लोग कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है साथियों? ये ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और निश्चित रूप से ये पूछे जाने की संभावना क्वेश्चन की नहीं है, फिर भी हमने इसको रखा है क्योंकि बाय चांस आ जाए। एक रेडियो समस्थानिक अर्ध आयु 5 दिन 20 दिन के बाद लिए गए नाविकों का अपघटित अंश बताइए। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का है, हार्ड क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। नहीं बने तो बिल्कुल आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन 1/16 याद रखिएगा, कहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। 44 नंबर सवाल की ओर हम लोग बैठते हैं, कहता है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है? ध्यान से पढ़िए, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है? तो ये 10 के पावर 42 होता है, क्या होता है? 10 के पावर 42 याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल, 42 नंबर, बड़ा क्वेश्चन लेकिन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। दो आवेश क्यों को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश छोटा क्यों, इसमें बीच में एक डाला गया मान लीजिए रखा जाए, तो आवेशों की इस अवस्था को संतुलन के लिए क्यों का मान क्या होगा? अच्छा मान लीजिए दोनों आवेशों को संतुलन करना, थोड़ा छोटा कर दे ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे, चार ऑप्शन आपको दिख गया होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -Q/4 हो जाता है। जब इसे डिटेल्स में यहाँ पे इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, यह 5 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल निश्चित रूप से बनते हैं बिहार बोर्ड में, तो याद रखिएगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का एक बनता है, उसे आप याद कर लीजिएगा। अभी के लिए -Q/4 इसका जवाब है, याद रखिए। 46 नंबर सवाल है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी रो पर एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का कोण मान कितना होगा द्विध्रुव स्थिर समावस्था स्थिति में रहे? तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सी बात है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आने की संभावना कम है, फिर भी लेके आए हम लोग। 47 नंबर सवाल है, कौन भौतिक राशि सदिश है? विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय स्थित ऊर्जा, या विद्युतीय तीव्रता? तो कौन भौतिक राशि सदिश है यहाँ पे आपसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है दिख गया होगा, विद्युतीय तीव्रता याद रखिएगा, विद्युतीय तीव्रता यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। 48 नंबर, दो तरंगे
y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी से उत्पन्न व्यक्तिकरण के आयाम का महत्तम मान बताइए। महत्तम मान यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र बताइए। परिनालिका के बात यहाँ पे की जा गया है, याद रखिएगा। तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी B/2μ होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर 50 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को हमने देख लिया, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी, तो डायोप्टर में -2.5 हो जाता है, याद रखिएगा। सिंपल से आप ऑप्शन याद रखिए। व्यक्तिकरण की घटना का कारण बताइए। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं अलग से बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप उसे कंठस्थ कर ले यानी याद कर ले। तो व्यक्तिकरण की घटना का कारण बताइए, या अगर दोबारा आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यक्तिकरण की घटना कालांतर, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन, व्यक्तिकरण की घटना का कारण बताइए, बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे कालांतर हो जाता है व्यक्तिकरण की घटना का मुख्य कारण। अगला नंबर सवाल है कि ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त करते हैं हम लोग, NaCl का प्रिज्म का उपयोग करते हैं और किसको, NaCl ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, हाँ जी साथियों, किसका प्रतीक है ये आपको बताना है, बताइए कि ये किसका प्रतीक है। 53 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये डायोड का प्रतीक है, याद रखिएगा। और इस प्रतीक से भी सबसे ज्यादा सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 54 नंबर, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है, फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं, अब टाइम बहुत ज्यादा न लगना चाहिए आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप जो क्वेश्चन आएगा वो हल्का हल्का आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट आएगा। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक का इकाई वोल्ट, एम्पियर, ओम या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई जो होती है वो याद रखिएगा 54 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 55 नंबर, निम्न से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार कहलाता है, OR, AND, NOT, NAND, सार्वजनिक कौन कहलाता है। तो सार्वजनिक जो होता है, इस प्रश्न को आप MBBI कर लीजिए और लिख लीजिए, स्टडी विथ रवि ने इसे गेस किया है। किसने, स्टडी विथ रवि ने इसे गेस किया। द्वार से एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो सार्वजनिक तर्क यहाँ पे पूछा गया, सार्वजनिक, तो नैंड गेट जो होता है ये सार्वजनिक होता है। आगे बढ़िए, UHF आवृत्ति के तरंगे प्रायः कैसे स्वचलित होती है, तो अंतरिक्ष तरंगे के द्वारा ये होती है। आगे बढ़िए, अगला नंबर, दो वैद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को क्या कहा जाता है, सिंपल याद रखिए, कूलॉम के नियम के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। कूलॉम के नियम याद रखिएगा, दो नंबर के सवाल में पूछा जाएगा 100-10%। आगे बढ़िए अगला नंबर सवाल की ओर, कहता है कि बिंदु आवेश का कारण r दूरी पर वैद्युतीय विभव का मान बताइए। बिंदु आवेश के कारण पूछेगा, तो सिंपल याद रखिएगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फटाफट से भी आप लोग अपने अपने नोट्स में या अपने अपने कॉपी में आंसर को लिखते चले या कॉमेंट बॉक्स में लिखते चले। अगला नंबर सवाल है, किसी चालक के संवहन वेग VD और आरोपित वैद्युतीय क्षेत्र E के बीच का संबंध, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे आप याद रखिएगा, VD समानुपाती E के होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे और ज्यादा MBBI कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग इस 4 बार सवाल आ चुका है। 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता, सेम टू सेम यहाँ पे डाटा भी आपके एग्जाम में दिया जाता है और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 माइक्रोफेराइड इसका आंसर, याद रखिएगा, रट लीजिए इस प्रश्न को और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। व्योमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, व्योमापी से धारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला नंबर, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनके वैद्युतीय स्थितित ऊर्जा क्या होगी, दो आवेश की दूरी अगर हम बढ़ा दें तो उनके वैद्युतीय स्थितित ऊर्जा के मान में क्या होगा, घटती है, क्या होती है, घटती, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला नंबर, 63 नंबर सवाल है, दो प्रतिरोध आर
और 2R एक विद्युतीय परिपथ में सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात बताइए। 1:2 ऑप्शन नंबर फाइनली आंसर याद रखिए सिर्फ। 64 नंबर सवाल है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अगर गोलीय दर्पण है, लेंस नहीं, यहाँ पे गोलीय दर्पण है और पानी में जब इसे डुबा देंगे तो क्या होगा? समान ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो गोला दर्पण है। अगला नंबर सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति जब रहेगी और परावर्तन गुणांक का मान पूछा जाएगा तो एक होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 66, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, याद रखिएगा, सिंपल बात है। यदि कहता है एलसीआर परिपथ में अनुदात की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर होता है तो कलांतर की बात आती है, यहाँ पे शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है तो कम होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में, सिंपल सी बात है। और अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे हम बोलेंगे, याद रखिएगा। एक्स किरणें जो है एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, यदि किसी माध्यम निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग बताइए। तो ये रॉन्ग ऑप्शन, इसमें चारों रॉन्ग ऑप्शन है। तो टोटल 4 सवाल ऐसे थे साथियों आपके इस पीडीएफ में जो रॉन्ग ऑप्शन थे, क्या थे? रॉन्ग ऑप्शन था। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हमने 70 क्वेश्चंस किया और 70 में एक दो अगर रॉन्ग भी हो जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें था वो सभी अगले क्लास में मैं कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए कैसा लगा सवाल आज का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक कमेंट तो आप जरूर कीजिएगा हमारे लिए नहीं तो आज के इस क्वेश्चंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते मैं इतना ही बोलूंगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।